आज हम सभी के लिए बहुत ही हर्ष की बात है कि महाराष्ट्र के राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के तीनों प्रत्याशी चुनकर आए हैं। हमारे प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा में नेता श्री पीयूष गोयल जी 48 वोट लेकर पूर्ण बहुमत के साथ हाईएस्ट वोट लेकर वहां पर चुनकर आए हैं। हमारे डॉक्टर अनिल बोंडे जी भी 48 वोट लेकर चुनकर आए हैं और हमारे तीसरे प्रत्याशी ये भी शिवसेना के सबसे महत्वपूर्ण प्रत्याशी संजय राउत इनसे ज्यादा वोट लेकर शिवसेना के दूसरे प्रत्याशी को हराकर आज यहां पर चुनकर आए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की ताकत आज हमको देखने को मिली है। इस मौके पर मैं ये भी कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को ये जो जीत मिली है इसमें विशेष रूप से, क्योंकि कल ये कहा जाएगा कि हमारा एक वोट ये इलेक्शन कमीशन ने वहां पर कैंसिल किया, वो वोट भी अगर इनको मिलता तब भी हमारी जीत होती, नवाब मलिक इनको वोटिंग का अधिकार मिलता तब भी हमारी जीत होती, तो एक प्रकार से पूरी कन्विंसिंग विन ये हमको यहां पर मिली है। मैं विशेष रूप से हमारे उन दो विधायकों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, हमारे लक्ष्मण जगताप जी और हमारी मुक्ताताई टिळक, जिनकी तबीयत बहुत खराब होने के बावजूद भी पार्टी को आवश्यकता है इसलिए वे यहां पर आए और उन्होंने अपना मतदान किया, जिसके कारण हम ये विजय यहां संपन्न कर पाए। मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा हमारे प्रदेश के अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल, इनका जन्मदिन था और इस जन्मदिन पर उन्हीं के कोल्हापुर का एक पहलवान हमने सांसद के रूप में चुनकर उनको भेंट स्वरूप दिया है। मैं विशेष आभार व्यक्त करना चाहूंगा अश्विनी वैष्णव जी का, जो देश के रेलवे मंत्री और आईटी मंत्री है और हमारे प्रभारी के रूप में उन्होंने यहां पर पूरा काम देखा और उनकी भी बहुत मदद हमको इस सारे काम में मिली। एक भारतीय जनता पार्टी की बड़ी टीम यहां पर काम कर रही थी, मेटिक्यूलस प्लानिंग के साथ इस समूची टीम ने इसको संपन्न किया, इसीलिए हमको ये जीत मिली है। मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहूंगा इस बात के लिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पीठ में छुरा घोप कर यहां पर एक अनैसर्गिक सरकार तैयार की गई, लेकिन आज के इस विजय ने यह दिखा दिया कि अंतर विरोध से भरी हुई सरकार कैसे चलती है। और मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं, महाराष्ट्र की जनता कल भी, आज भी और आने वाले कल भी सिर्फ और सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में खड़ी है और आपको खड़ी दिखेगी। मैं फिर एक बार सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत हर्ष व्यक्त करता हूं और हमारे सारे कार्यकर्ता देश भर के, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं और विशेष रूप से आप सब मीडिया कर्मियों का भी आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि महाराष्ट्र के इतिहास में इतने देर रात तक कभी कोई चुनाव चला नहीं, आप लोग सुबह से भूखे प्यासे यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इसलिए आपका भी आभार व्यक्त करता हूं। कि दो इस महीने दो जल्लोष करेंगे, दो पार्टियां करेंगे, एक राज्यसभा जीतने की और एक विधानसभा जीतने की, क्या आपको लगता है कि सिर्फ संख्या बल दिखाने से राजनीति नहीं होती, दिमाग भी चलाना पड़ता है? मैं ऐसा नहीं कहूंगा, मैं इतना ही कहूंगा कि अभी भी पार्टी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीत की हमारी पार्टी में मुख्यमंत्री जी शामिल हो सकते हैं तो हम जरूर एक पार्टी निश्चित रूप से कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक मेटिकुलस प्लानिंग करती है और उसके आधार पर हम चुनाव लड़ते हैं और मुझे लगता है कि उसी के कारण हमको सफलता मिली। इस तरह से ये उम्मीदवार हारा है शिवसेना का, पार्टी में अंतर विरोध है महाविकास आघाड़ी में, तो इसका परिणाम आने वाले दिनों में दिखाई देगा, ऐसा आपको लगता है? देखिए, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं अंतर विरोध से भरी हुई सरकार है और ये अंतर विरोध दिखाई पड़ रहा है और आगे भी ये अंतर विरोध दिखाई पड़ेगा, आपको इसका असर हर दिन बढ़ता हुआ दिखेगा।